अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूएई खबर टू देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से जो है वेलकम करते हैं। दोस्तों आज यूएई की तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया टू दुबई फ्लाइट की भी अपडेट आप दोस्तों को जो है इसी वीडियो के अंदर जो है देने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपने लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको डेली जो है दुबई की और भारत की फ्लाइटों की जो है अपडेट मिलती रहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप फेसबुक पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लें कि आज यूएई में कोरोना के कितने केसेस आए हैं। जी हां दोस्तों, यूएई में डेली बेसिस पर जो है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज जो केसेस आए हैं 2109 केसेस आए हैं, जो ठीक हुए जो दोस्तों वो आए हों 2120 आदमी जो है ठीक हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की डेथ हुई है 5 आदमियों की डेथ भी हुई है आज की डेट में। इसके अलावा दोस्तों जो लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करते उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। अगली बड़ी अपडेट निकल कर जो सामने आ रही है वो है इमरेट्स एयरलाइन की। जी हाँ दोस्तों, इमारात एयरलाइन ने अभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया भारत के लिए, लेकिन दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इमरेट्स एयरलाइन की तरफ से वो है 6 जुलाई का। अभी तक इमारात एयरलाइन ने ये अपडेट कन्फर्म कर रखी है कि 6 जुलाई से हम भारत से अपनी फ़्लाइटें जो है फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर जो सामने आ रही है दोस्तों वो है एयर इंडिया एक्सप्रेस की। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया ने 7 जुलाई तक जो है भारत से जो है दुबई की फ़्लाइटें सस्पेंड रखी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 जुलाई को एयर इंडिया अपना फ्लाइट ऑपरेशन फिर से स्टार्ट करेगी। अगर कोरोना के केसेस बढ़े और यूएई ने फिर से फ़्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया तो एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत अपना ऑपरेशन शुरू कर देगी। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कोरोना की वैक्सीन लगवा लें, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते दुबई में उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जो लोग भी मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उनको कैद भी हो सकती है और 5 से 6 हज़ार दिरहम का जुर्माना भी हो सकता है। अब बाहर निकलते हैं तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।